दुनिया के पुराने मंदिरों में से एक कालका जी मंदिर के नाम से मशहूर कालका मंदिर देश के प्राचीन सिद्ध पीठों में से एक है, जहां नवरात्रि में हजारों लाखों लोग माता का दर्शन करने आते हैं। जबकि इस मंदिर को लेकर बहुत सी मान्यताएं भी हैं और माना जाता है कि ये मंदिर 3000 साल पुराना है और इस मंदिर में प्राचीन काल की कई वस्तुएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि इस मंदिर का अस्तित्व अनादि काल से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि सभी काल में इसका रूप बदलता है और कहा जाता है कि यहीं पर माँ भगवती महाकाली के रूप में प्रकट हुई थी और राक्षसों का संहार किया था, तभी से ये मनोकामना सिद्ध पीठ के रूप में जाना जाता है। जो आज भी मौजूद मंदिर बाबा बालकनाथ ने स्थापित किया है और उनके कहने पर मुगल साम्राज्य के सरदार अकबर शाह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया है। जबकि इस मंदिर के महंत इसकी कहानी को बताते हैं कि राक्षसों के द्वारा सताए जाने पर देवताओं ने इसी स्थान पर शिव शक्ति की आराधना की और देवताओं के वर मांगने पर माता पार्वती ने इसी जगह पर कौशिकी देवी को प्रकट किया और इन्होंने ही अनेकों राक्षसों का संहार किया, लेकिन वो रक्त बीज नाम के राक्षस को नहीं मार सकी। तब ये देखकर माँ काली ने अपनी भ्रीकुटी से महाकाली को प्रकट किया और महाकाली के द्वारा रक्त बीज राक्षस का संहार किया गया। जबकि महाकाली के इस अवतार को देखकर सभी लोग डर गए थे। देवताओं ने काली की स्तुति की तो माँ भगवती ने कहा कि जो भी इस स्थान पर श्रद्धा भाव से पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। और माना जाता है कि महाभारत काल में युद्ध करने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ यहाँ भगवती जी की आराधना की थी, फिर उसके बाद बाबा बालकनाथ ने इस पर्वत पर तपस्या की, तब माता भगवती से उनका साक्षात्कार हुआ था। जबकि इस मंदिर की खासियत ये है कि मुख्य मंदिर में कुल 12 दरवाजे हैं, जो 12 महीनों का संकेत देते हैं और सभी दरवाजों के पास में ही माता के अलग अलग रूपों का चित्रण भी किया गया है। मंदिर के परिक्रमा में 36 मातृकाओं यानी कि हिंदी वर्णमाला के अक्षर मौजूद हैं और माना जाता है कि ग्रहण में सभी ग्रह इनके अधीन होते हैं, इसलिए दुनिया भर के मंदिर ग्रहण के समय बंद होते हैं जबकि कालका जी का मंदिर खुला रहता है। इस मंदिर के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि आम दिनों में इस मंदिर में वेदोक्त, पुराणोक्त और तंत्रोक्त तीनों विधियों से पूजा होती है। नवरात्रि में यहाँ मेला भी लगता है और रोजाना हजारों लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन करने पहुँचते हैं। इस मंदिर में अखंड दीप प्रज्वलित होती है। पहली नवरात्रि के दिन लोग मंदिर से माता की जोत अपने घर ले जाते हैं और नवरात्रि में रात 2:30 बजे सुबह की और शाम की आरती 7 बजे होती है। जबकि मान्यता है कि अष्टमी और नवमी को माता मेला में घूमने आती हैं, इसलिए अष्टमी के दिन सुबह की आरती के बाद कपाट खोल दिया जाता है और 2 दिन आरती नहीं होती है, फिर 10वीं को आरती होती है। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से ब्रेतराय की रिपोर्ट।